उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर मार्ग पर वाहनों से गिर रही रेत, बजरी के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रास्तों पर शुरू कराया सफाई अभियान। ग्रामीण विधानसभा के रानी माजरा निवासी वरिष्ठ समाज सेवी आदेश चौहान ने बताया कि भोगपुर से भरकर खनन सामग्री ट्रक, डंपर आदि वाहनों से मेन मार्ग शाहपुर से लेकर लक्सर तक रास्तों पर गिर रही रेत, बजरी के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क किनारे गिर रही रेत, बजरियों को देखते हुए इस बड़ी समस्या को अपने संज्ञान में लेकर सफाई अभियान शुरू कराया है। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों खनन सामग्री से भरे वाहन लगातार दौड़ रहे हैं, जिनसे रोड पर गिर रही रेत बजरियों से आवाजाही में राहगीरों के लिए दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। वहीं इन बजरियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के रानी माजरा निवासी वरिष्ठ समाज सेवी भाई आदेश चौहान सामने आए हैं, जिसमें समाज सेवी आदेश चौहान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में रास्तों पर सफाई अभियान शुरू कराया है, ताकि रास्तों में वाहनों से भरी मात्रा में गिर रही बजरियों के कारण दुर्घटनाओं को रोका जा सके और किसी भी स्थानीय व राहगीर को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते समाज सेवी आदेश चौहान ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय निवासियों द्वारा इसकी सूचना मिल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पिछले कई महीनों से खनन सामग्री से भरे छोटे बड़े वाहन रास्तों पर दौड़ रहे हैं और उनसे रास्तों पर गिर रही बजरी राहगीरों को चोटिल कर रही है, जिसके चलते समाज सेवी आदेश चौहान ने कुछ लोगों को अपने निजी खर्चे पर रखकर रास्तों पर सफाई अभियान शुरू कराया है। ये जो रोड पे हमारे डंपर वगैरह चलते हैं ट्रांसपोर्ट हो गए, उनसे बजरियां नीचे गिर जाती है, तो उन बजरियों के कारण सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे लोग ड्यूटी जाते हैं तो बेचारे फिसल के गिर जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा रोड से अपना ये सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं और ये साइड करके इनको उठवा के कहीं डंप करवा देते हैं, जिससे दुर्घटना ना हो। आपके द्वारा चलाया लगभग हो गए तीन महीने होंगे इस काम को। ये तो जनहित का कार्य है, ये तो चलता ही रहेगा, इसमें रुकने का तो कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना डंपर वगैरह चलते ही रहते हैं और अभी सर्दियों का मौसम है, थोड़ा गर्मियों में फिर भी थोड़ा बहुत आदमी झेल लेता है। सर्दियों में तो आदमी मोटरसाइकिल से गिर जाए तो देखो कितनी दिक्कत होती है। अपने लोग तो गाड़ियों में चलते हैं, जो मोटरसाइकिल में चल रहे हैं उनका देखो ना, तो ये तो जनहित का कार्य चलता रहेगा। क्षेत्र में कितनी जगह इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? ये इधर अपना भोगपुर तक है, इधर टांडे तक है, इधर बादशाहपुर तक है और इधर पदार्थ तक। कितनी सफाई कर्मी इस अभियान में लगे हुए? 8-10 लोग लगवा रखे हैं इसमें, एक ट्रैक्टर भी है हमारे पास। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।